कनाडा और भारत के रिश्तों में बड़ी खटास देखने को मिल रही है। भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार की मुख्य वजह खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है। भारत कनाडा रिश्तों में दरार, 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर की गई। निज्जर 1997 में भारत से कनाडा गया था। निज्जर कनाडा में एक प्लम्बर के रूप में काम करता था। कनाडा में रहते हुए निज्जर का खालिस्तान उग्रवाद से जुड़ाव रहा। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड था। निज्जर अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का भी हिस्सा था। भारत सरकार ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। निज्जर भारत में कई वारदातों में वांछित था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने की संभावना जताई थी और इसे कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन बताया, जिसके बाद कनाडा सरकार ने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया और राजनयिक को भारत छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया था। भारत ने निष्कासित कनाडाई डिप्लोमेट पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। कनाडा के पीएम G20 में हिस्सा लेने भारत आए थे। इस दौरान ट्रूडो के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी गतिविधियों और भारत राजनयिकों पर होते हमलों का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी थी। कनाडा जिस तरह खालिस्तान विचारधारा को समर्थन दे रहा है वो चिंता की बात है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के पीछे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानियों का हाथ माना जाता है। ऐसे में भारत को कनाडा से इस मुद्दे पर बातचीत करके संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। AMB नेटवर्क ब्यूरो।